अभी क्या करना है, एक सर्वलेट का डेटा है, दूसरे सर्वलेट पे लेके जाना है। क्या क्या जाना है, एक सर्वलेट का डेटा दूसरे सर्वलेट पे लेके जाना है ना। उसके लिए क्या यूज करेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे एक एचटीएमएल से भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो अपन जेएसपी में करेंगे कि एक सर्वलेट का डेटा जेएसपी में लेके जाएंगे। एचटीएमएल में हम प्रिंट नहीं करवा सकते डेटा, ठीक है। रिप्रिंट करवाएंगे तो फिर हमें वहां पे जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, है ना। तो अभी देखते हैं कि एक सर्वलेट का डेटा दूसरे सर्वलेट में कैसे लेके जाएंगे, है ना। कैरी द डेटा फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट, ठीक है। चलो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इट हैज सेट एंड गेट एट्रीब्यूट टू, है ना, कैरी द डेटा। इसके पास सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट होता है। जब वैल्यू भेजना हो तो उसमें क्या लिखेंगे, सेट एट्रीब्यूट, और उठाना हो उसमें क्या लिखेंगे, गेट एट्रीब्यूट। लिख लो यहाँ पे इस ऐसे, सर्वलेट ये रहा, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, इसे मिल जाएगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब डेटा भेजना हो तो सेट एट्रीब्यूट की और वैल्यू, अच्छा, और दूसरा वैल्यू भेजना है तो अगेन ई डॉट सेट एट्रीब्यूट पासवर्ड और पासवर्ड की वैल्यू। फिर दूसरे पेज में जिसमें जाना हो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एक तो सेंड रिडायरेक्ट होता है, ठीक है, उससे भी जा सकते हैं या डिस्पैचर के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। ये बताता हूँ डिटेल में, अभी तो रिडायरेक्ट से लेके चलते हैं। पर अपन ने ये ले लिया, अपन ऐसा करते, ये लॉगिन वाला है, यहां से शो में लेके चलेंगे, है ना। लॉगिन वाला यही है, ठीक यहाँ पे डेटाबेस वाला कोड भी काम की जरूरत है, फिर ले करके चलना है। ना यहाँ पे क्या करा अपन ने, सर्वलेट कॉन्टैक्ट, ईमेल में हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये वाला ईमेल हम उठाएंगे किसमें, शो वाले में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, वहां जाने के लिए क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या है, इसमें जाना है उसका सर्वलेट का नाम, तो ये चले जाएंगे। अब ये मुझे वहां पे पिक करना है, ठीक है, किसमें, तो एमपी, तो एमपी के गेट में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उठाने वाला कोड क्या है, ये देखो ऐसे, सर्वलेट गेट कॉन्टेक्स्ट गेट एट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, और उसको फिर अपन प्रिंट करवा देंगे।
यहाँ पे। हाँ और प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे अपन बता। आउट आउट लिख रहेगा ना ऑब्जेक्ट का, और डॉट प्रिंट। प्रिंट एफ। चलो रन करके किसको दिखाएंगे, लॉगिन को। ये वाला भी प्रिंट हो गया वहां पे, मतलब सब ठीक है। या फिर इसका एचटीएमएल भी है ना, लॉगिन वाला, लॉगिन वाला एचटीएमएल यहाँ पे वो लिख दो। इसके लिए क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल। एचटीएमएल को चला लो, रन करो। देख देख के करो ना, ट्राई करो उसको बार बार। इतने में तो आखिर किया ही तो गया। जो लिखा था वो आ गया ना, लेकिन अभी हम किसमें, लॉगिन में। यहाँ पे क्या गया, शो। क्यों देखो, क्योंकि हमने क्या करा, लॉगिन पे क्लिक किया, या मेथड पोस्ट में एक्शन लॉगिन, लॉगिन वाला आया। लॉगिन के पोस्ट मेथड में हमने कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, शो में। और शो में साथ में ये डेटा भी जा रहा है, और शो में यहाँ पे हमने वो डेटा उठा के प्रिंट करवा रखा है। समझ बात, ऐसे हम एक सर्वलेट का डेटा दूसरे सर्वलेट में लेके जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो सीखो, रिक्वायरमेंट पड़ती है, ला नहीं है क्यों अभी वो मत। देखो वो मैं बताऊंगा, अभी पहले ये सीख लो कि एक सर्वलेट का डेटा दूसरे सर्वलेट में ट्रांसफर कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, है ना, ऐसे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, उसमें है ना पैरामीटर्स दिए, उसमें एट्रीब्यूट सेट कर लेते हैं, और फिर उस एट्रीब्यूट के है ना थ्रू में यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, जो एट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलो करके देखो।